अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने लेयर्स के पैनल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि लेयर्स के पैनल में हम बैकग्राउंड लेयर का किस तरह यूज कर सकते हैं और हमने उसमें कुछ लॉक्स देखे थे। हमने देखा था कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स थे जिसको मैंने आपको एक एक करके बताया था। तो उसमें कुछ ऑप्शन हमारे पास रह गए थे। आज की वीडियो में हम उन्हें ऑप्शन को डिस्कस करने, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि वो ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है, मैंने वही पिछली वाली पिक्चर ओपन की हुई है। ये देखो यहाँ पे ये इस टाइम बैकग्राउंड लेयर आया पड़ी। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको नॉर्मल लेयर बनाना है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल लेयर बन गई है। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको नॉर्मल लेयर बनाया ना, ये हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपकी बैकग्राउंड लेयर होती है ना, तो आप इस लेयर पर काम नहीं कर सकते। अगर आपने लेयर के ऊपर काम करना है तो आपको उसको नॉर्मल लेयर बनाना पड़ता है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके बैकग्राउंड लेयर बनाया। जैसे देखो बैकग्राउंड लेयर बनी है, फिर ये सारे के सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए। देखो लेयर सेलेक्ट है लेकिन ऑप्शन डिसेबल है, अपने आप ये ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ अपनी नॉर्मल लेयर, ताकि मैं इस पर ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म कर सकूँ। तो ये देखो इसमें कुछ लॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये यहाँ पे पांच लॉक्स दिए गए, इसको हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दिया गया फिल और ओपेसिटी। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इस पर मैं यहाँ पे यहाँ के कलर में ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, और बैकस्पेस करूँगा तो ये देखो कलर हो गया है। देखो उसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। ओपेसिटी ऐसे मैंने कम की है, ये देखो जो कलर था ना वो हमारा मध्यम हो गया है, नीचे वाली जो पिक्चर है वो नज़र आने लगी, जबकि पहले हमारे पास पिक्चर नज़र नहीं आ रही। इसको मैं 100% कर देता हूँ, पिक्चर नज़र नहीं आ रही। जब मैं इसको 0% कर दूंगा ना, देखो अब बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है हमें। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है फिल, फिल भी ओपेसिटी की तरह ही आया पड़ा। इसको भी आप देखो ये काम करोगे ना, ये देखो यहाँ पे वही काम कर रहा है जो ओपेसिटी से काम हो रहा था, यानी कि जो ये इमेज आया पड़ी ना, ये यानी कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो कम होती है। ओपेसिटी मेन काम यही करती है कि जो लेयर होती है ना, लेयर के ऊपर आपकी इमेज है या आपका कलर हुआ है, जो भी चीज़ है, उसकी ना ट्रांसपेरेंसी को कम करती है या बढ़ा। आप जैसे ओपेसिटी रखोगे ये उसी तरह काम करेगी। तो अभी हमारी स्टार्टिंग आया पड़ी, इसलिए फिल या ओपेसिटी आप दोनों में से जिसका मर्जी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए तो इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन जैसे ही हम एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे ना, वहाँ पर जाकर ना इन दोनों का फ़र्क आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो तब आपको पता चलेगा कि फिल कहाँ पे यूज़ करना और ओपेसिटी कहाँ पे यूज़ करना। अभी के लिए स्टार्टिंग पे आप इसको जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अपना। तो ये दो ऑप्शंस हो गए। अब ये ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये एक तरह से फिल्टर है अपने, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर पड़ी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपने आपने सर्चिंग करनी है लेयर में, तो आप ये फिल्टर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप काइंड में जाएंगे, जैसे ही आप करेंगे ये देखो आगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पर नेम पर जाओगे, आपके पास यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर नेम लिखते हो, मैं लिखता हूँ लेयर, लेयर वन। जैसे ही लिखूंगा ना, देखो हमारे पास सिर्फ लेयर वन रह गई है, जो लेयर जीरो थी वो गायब हो गई है। तो आप इसको नेम से, इफेक्ट से, मोड से, एट्रीब्यूट से, कलर से, यानी कि डिफरेंट इसमें फिल्टर दिए गए हैं, उसके जरिए आप अपनी लेयर में सर्चिंग कर सकते हो। ये ऊपर जो ऑप्शंस थे ये सर्चिंग के दिए हुए थे, आप जैसे जैसे इनको चेंज करते जाओगे, ये देखो आगे ऑप्शंस हमारे पास चेंज आ रहे हैं सारे। आप यानी कि जो कलर्स है ना, कलर्स के ऊपर भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपकी लेयर में कौन सा कलर आया पड़ा है, वो कलर के हिसाब से आपको फिल्टर करके लेयर यहाँ पे नीचे शो कर देगा, जो बाकी लेयर्स होगी वो गायब हो जाएगी। अब इसकी मैं ये जो फिल है ना, ये मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ मोड्स दिए गए हैं, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल पे होता है। यहाँ पे दिया गया डिजोल्व, डार्कन, आप जैसे जैसे जिसके ऊपर करते जाओगे वो पिक्चर के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। तो इसका कोई एक जैसा रिजल्ट नहीं होता, ये आपकी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर पे कौन सा इफेक्ट सही काम करेगा, कौन सा ये जो मोड है बड़ा सही अप्लाई करेगा। इसमें ओवरले दिया गया, सॉफ्ट लाइट दिया गया, हार्ड लाइट दिया गया। आप बारी बारी सारों के ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हो कि आप वही वाला मोड पिक्चर के ऊपर अप्लाई करके अपना काम ले सकते हो। तो ये कुछ लेयर्स के थोड़े बहुत ऑप्शन रह गए थे, तो इसलिए मैं ये एक वीडियो और लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको लेयर्स का मुकम्मल बता दिया है। तो अगर अभी तक आपको लेयर्स का सही तरह कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी टाइम के साथ साथ आपको लेयर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना, तो आपको लेयर्स के जितनी भी ये चीज़ें आया पड़ी आपको साथ साथ चलती रहेगी। इसमें और भी ऑप्शन आया पड़े, जैसे जैसे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे वैसे वैसे ही आपको ये समझ आता रहेगा। तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं, अभी आप इसका बेसिक यूज़ देख लो। मैंने जो आपको ये बताया ना, आपको बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको। अगर आपको ये काम करना आ गया ना, तो आपके लिए इनफ है अभी के लिए।
आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे चल के हम इसको एडवांस लेवल तक भी देखेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।